जी हमारा ओवर स्पीडिंग पे चालान हो गया इस वक्त। 171 की स्पीड पे थे, मोटरवे पुलिस चालान कर रही है, हम चालान अभी पे कर रहे हैं। शायद 2 टिकट लगे हैं। हम सुबह 4:30 बजे निकले हैं। आज इस दफ़ा हमने क्या किया कि हमने नया रूट लिया है। फरहान भाई मेरे साथ हैं, एक नए एडिशन साई और मेरे साथ फैसल। हम आपको ले जाएंगे कुमराट, ले जाएंगे कश्मीर, आपको दिखाएंगे कुछ फूड व्लॉग्स। चलिए देखिए जी, चाय हमारी भी हो गई, साई भी चाय पी रहे हैं और फरहान भाई की चाय इनकी भी। फैसल भाई जो एज यूजुअल हमारे जो है ना इस पूरे टूर के ऑपरेटर हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, इन्होंने ये मैनेजमेंट की हुई। देखें आप, देखिए अभी हम लोग जो है लाहौर के करीब पहुंच रहे हैं। फरहान भाई मुसलसल ड्राइव पे लगे हुए हैं। फरहान भाई ने स्टीयरिंग छोड़ा नहीं है, वरना ओवन मैं होता हूं तो मैं स्टीयरिंग छोड़ता। फरहान भाई ने पकड़ा। पीछे हमारे पास फैसल भाई ड्राइवर है। साईं इस वक्त साईं साईं कुत्ता भी साईं बने वाला। साईं बैठे पीछे आराम से। साईं को हम आप प्रोग्राम है हमारा इंशाल्लाह कुमराट वैली में, साईं से हम कढ़ाई बनवाएंगे, अभी तय किया है फरहान भाई ने। और फैसल भाई ने कहा मसाले मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो आप इंजॉय कीजिएगा हमारी उस कढ़ाई को, उस कैंपिंग को। उस लाहौर में दाखिल होने वाले नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली 1.5 आवर और लगेगा। साई चाय पी आपने? हाँ पी है। कैसी रही चाय? अच्छी है भाई, बहुत ज़बरदस्त चाय, ज़बरदस्त चाय है। और जो भी आए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें चाय। यार दूध पत्ती चाय बिल्कुल कराची वाली दूध पत्ती लाहौर के अंदर। फैसल भाई थैंक यू वेरी मच, ये आपने रिकमेंड की थी, मज़ा आ गया बाखुदा। जिसने खीर नहीं खाई उसने कुछ भी नहीं खाया। देखिए जी ये चाय बन रही और ये गरम दूध ट्राई कीजिए आप। हाँ एक मिनट, बहुत अच्छा है मगर बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। वो अच्छा थोड़ा ठंडा होने दो भाई। इलायची सौंफ का ठंडा दूध है। फरहान भाई ने खीर से ट्राई की है, साई ने गरम दूध और फैसल भाई ने भी ये कस्तूरी ठंडा दूध ट्राई किया है। और उतना ख़त्म हो चुका है। तो ये था हमारा आज स्ट्रीट फूड जो मैंने दिखाया आपको। आप जब भी लाहौर है, अगर लाहौर की ट्रेडिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर लाहौर आना है तो आपको ये फूड खाना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एडवेंचर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? इस वक्त हम निकल पड़े हैं दोबारा मोटरवे पे। ये वो मोटरवे जो अक्सर मैंने आपको पहले दिखाया कि पाकिस्तान का खूबसूरत मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर तक। अब हुंजा को लेते हुए हम जाएंगे इस वक्त स्वात पे। इस वक्त हम रुके थे सुकई पे हमने नमक चाय पी। चाय पीने के बाद हम निकल पड़े हैं। गूगल हमें बता रहा है कि स्वात का रास्ता तकरीबन रात में 9 बजेंगे हमें, लेकिन आप कोई चीज़ भी मोटरवे पे ट्रेवलिंग पे कैलकुलेट पहले नहीं कर सकते। तो इस वक्त हम जा रहे हैं स्वात, आपको स्वात दिखाएंगे कुछ स्वात को कि अनएक्सप्लोर जगह जो पहले कभी एक्सप्लोर नहीं हुई वो दिखाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रैवलिंग में संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर संगत अच्छी हो तो आप सोने पे सुहागा हो जाता है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं सॉल्ट माइन में से। सॉल्ट माइन बेसिकली दुनिया की 2nd लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है ये, जो 1872 में दरियाफ्त हुई। सबसे पहले 320 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर आजम के, वो जब झेलम पे हिंदुस्तान से झेलम जा रहे थे तो यहाँ उनके घोड़ों की तरह की किसी सी एक्टिविटी की वजह से ये फाइंड हुआ कि यहाँ पे कोई सॉल्ट है। ये रॉक में सॉल्ट पाया जाता है। में यहाँ तकरीबन हर साल 25 लाख जो टूरिस्ट हैं वो सॉल्ट माइन पे आते हैं और यहाँ पे इसका विजिट करते हैं। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसे हम गुजर रहे हैं सॉल्ट माइन के इस रास्ते से जो कि सॉल्ट माइन कहलाया जाता है। कल्लर कहार से पहले ये जिगजैग ट्रैक आता है। आप देख रहे हैं मेरे राइट लेफ्ट पे किस तरह का ट्रैक है। सामान कैसे सेटिंग करनी है जी? बस अभी हम तैयारी में निकल गए। यहाँ से बस निकल रहे हैं। अभी हम कुमराट वैली के लिए। इस वक्त हम लोअर दीर में रुके हुए, हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे हम जो दोस्त के यहाँ रुके हैं, ये सब इनका डेरा। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये एक डेरा है जो रूम दिखा चुका हूँ मैं आपको, और एक बैठक थी जिसमें हम लोग बैठे थे सारे। ये सब ये हमारे वली भाई बैठे हैं, फरहान भाई बैठे हैं, बस निकल तैयारी कर रहे हैं। वली भाई ने सेटिंग कर दी सारी हमारे आगे, हम कुमराट वैली जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ये सब वली भाई, ये शाहिद भाई, वली भाई के साथ हम लोग रुके हैं। वली भाई ने हमें ये चिताली टोपी, शाहिद भाई ने हमें चिताली टोपी तोहफे में दी है हम सबको। शाहिद के दोस्त ही ये शायद थे मेरी, इनके डेरे पर रुके थे हम। ये सब लोग देखें आप, तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं आगे कुमराट की तरफ, आपको दिखाते हैं कुमराट। चलो भाई जी, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं, खैरियत से? इस वक्त हम लोअर दीर से निकल रहे हैं। रात में स्टे किया हमने शाहिद भाई के, हमारे एक दोस्त के घर, उनका डेरा आपको दिखाया। इस वक्त हम कुमराट वैली जा रहे हैं। रास्ते में बहुत शानदार किस्म के यहाँ पे आबशार हैं, दरिया हैं, आपको अच्छी लोकेशंस दिखाएंगे। और कुमराट में हम 2 दिन स्टे करेंगे, कुमराट के कुछ फूड व्लॉग भी बनाएंगे। तो रात का स्टे बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो हम निकलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा एक ट्रैक, किस तरह का ट्रैक है, चलिए हमारे साथ। जिस वक्त हम खाल शहर से गुजर रहे हैं, खाल, और ये एक सबसे बड़ा शहर है बिटवीन जो है अपर लोअर दीर और कुमराट के बीच में आता है। और यहाँ पे हम यहाँ से गुजर रहे हैं, और अभी यहाँ से हम स्ट्रेट निकलेंगे कुमराट के लिए। दोस्तों इस वक्त हम अपर दीर से दाखिल हो गए हैं कुमराट वैली की तरफ, और सबसे पहले कुंदीश के नाम पे ये जगह आती है जहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ हमने चाय का ब्रेक लिया है और अभी हम चाय पी रहे हैं। आपको थोड़ा सा वैली दिखाते हैं कि वैली किस किस्म की, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आपको चाय का डाबा दिखा दूँ, जिस चाय के डाबे से हमने चाय पी है, बहुत ही मज़ेदार चाय। मतलब ये इसके बाद छोटी छोटी जो है ना स्पॉट्स आएंगे। ये दरिया जो हम ऐसा चल रहा है, इसका नाम पंचकोड़ा है, और ये हमारे साथ साथ कुमराट वैली तक जाएगा। हमने लोअर दीर से स्टार्ट हुए थे, हमारे साथ लेफ़्ट हैंड पर ही कंटिन्यू चलता रहा। तो इस वक्त हम इस जगह पे खड़े हैं, और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हिल से सेकंड हिल तक इन्होंने एक हैंडमेड जो है लिफ्ट चेयर्स लगाई हुई है। ये देखें जी, फैसल भाई ने, ये चश्मे का पानी है, ये चश्मे का पानी चल रहा है। आप देखिए कोई इसके चार्जेस नहीं है कराची की तरह, यहाँ भी फिरोती पानी अलहमदिल्ला अल्लाह की तरफ से मिल रहा। वो सामने दरिया बह रहा है, और वो देखिए दरिया बह रहा सामने, और ये रही हमारी गाड़ी। चलें फिर आगे। अलहमदिल्ला नमाज के लिए रुके हैं, हमारी गाड़ी खड़ी थी और हम नमाज के लिए यहाँ जा रहे हैं, असर की नमाज़ पढ़ेंगे। हम ये पूरा इलाका देखें आप, पूरा इलाका बना हुआ है जी। अलहमदुलिल्लाह हमने जो है ना असर की नमाज़ पढ़ ली। बहुत ठंड, बहुत ही सख्त ठंडा पानी था, अलहमदुलिल्लाह वज़ू कर लिया। बहुत ठंड थी, साईं तो कह रहे थे कि बस क्या बताऊं। तो बस अब जो है इस खूबसूरत वादी के अंदर दाखिल हो गए हैं। हमें चारों तरफ जो है ना बर्फ़ से ढकेले पहाड़। अब यहाँ से हमने आगे जाना है, अब कुमराट असल वैली शुरू होगी इसके बाद।